वॉरफेयर के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज साइ वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर। आपको नहीं लगता कि भारत ने इसके ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं किया है बहुत अधिक? बिल्कुल नहीं करा सर, बहुत अधिक तो आपने ज्यादा बोल दिया। भारत ने सर चाइना की थ्री वॉरफेयर फिलोसफी है एक, विच इज एनग्रेन सर। सो चाइना कहता है सर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर नंबर 1, लीगल वॉरफेयर नंबर 2, मीडिया वॉरफेयर नंबर 3। सर हाउ टू यूज मीडिया, हाउ टू यूज मीडिया, बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है सर। इंडियन मीडिया भी हाईली इंफेक्टेड है, इंडियन मीडिया इज हाईली इंफेक्टेड। कैसे? इंडियन मीडिया सर्जिकल स्ट्राइक्स और क्वेश्चन करना सर, चलिए डेमोक्रेसी है, सबका हक है। आई विल नॉट नेम सर्टेन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स व्हिच वेंट आउट ऑफ देयर वे क्वेश्चन एंड दे सेड वी वांट प्रूफ। सर हाउ कैन यू गिव प्रूफ ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक सर, आप कैसे दे सकते हैं? इट्स अ टॉप सीक्रेट ऑपरेशन सर, हाउ इज इट पॉसिबल सर? इट्स नॉट पॉसिबल सर, फौज नहीं दे सकती, चाहे भी तो नहीं दे सकती है उनके पास। कुछ इमेजेस रिलीज कर सकती है, छोटे मोटे वीडियोस, बट दे कैन नॉट गिव यू द ब्लू प्रिंट फॉर अ सर्जिकल स्ट्राइक सर। दीज आर स्ट्रेटेजिक एंड टैक्टिकल मैटर्स विच नो बडी विल डिस्क्लोज सर। सेम मीडिया, इंडियन मीडिया इज सो बैडली इन्फेक्टेड दैट इट हैज स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द बालाकोट स्ट्राइक्स। आपको कैसे पता उसमें क्या था? नवजोत सिंह सिद्धू, ऑनरेबल श्री श्री नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि वहां पे तो वहां पे तो कौए मारे और पेड़ गिराए सर। अब ये देखिए बात ये होती है सर, ये भी एक किस्म की जंग है जो हमारे ऊपर मसलत करी हुई है। दिस इज ऑल्सो अ वॉर दैट वी आर फाइटिंग, दिस इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन वेयर ही विल गो टू पाकिस्तान एंड ही विल हग द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, वो गले मिलेगा आर्मी चीफ से, राइट, एंड ही विल कम बैक टेलिंग सम स्टोरी अबाउट पाकिस्तान। तो देखिए ये सब चीजें जो है ऐसे होता है, ऐसे होगा। आपने एक किसी को आपने एक कोई आपको गलत पॉलिटिशियन मिल गया, मिल गया, हर में गलत होते हैं पॉलिटिक्स में, गलत लोग होते हैं। एनिमी कंट्री ने उसको पैसे दिए, बोला कि फ्लोर ऑफ द हाउस में आप ये सवाल पूछ लेना, बस कहानी खत्म। दिस इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर सर, नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन काइनेटिक, देयर इज नो ब्लडशेड सर, लेकिन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शिफ्टेड फ्रॉम द आर्मी टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एक पूरी पॉपुलेशन डिमोरलाइज हो जाती है। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ सर, विदाउट एनी फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर आज तारीख में पूरा पाकिस्तान डिमोरलाइज है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम चली गई। अब छोटी सी चीजें सर, क्रिकेट के क्रिकेट तो खुद सुसाइड कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं कि रा ने कर दिया, रा ने कर दिया, रा हाँ बस सर, रॉ के और रॉय चीफ को और कोई काम नहीं है, बस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच कैंसिल करवाने का काम है, और पूरी इंडिया सिर्फ साजिश करती है ऐसी चीज के लिए। ऐसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं सर ये लोग। बहरहाल आप देखिए ना सर, कितना इंपैक्ट पड़ा उसका पाकिस्तान के पूरे एक मुल्क के मोरल पे, जो कि एटमी मुल्क है, द ओनली मुस्लिम एटॉमिक मुल्क, विच दे नेवर टायर ऑफ टेलिंग एवरीबडी हु कम्स। आप किसी पाकिस्तानी के घर में चाय पीने चले जाइए, वो आपको एक बार तो बता देगा कि ओनली मुस्लिम एटॉमिक मुल्क है, वो इधर सो हैप्पी विद दिस तमगा विच दे हैव गॉट सर। बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहां गया वो एटम बम सर, कहां गया वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, कहां गई वो नंबर वन सो कॉल्ड एजेंसी ISI, कहां गया वो नंबर वन सो कॉल्ड आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, जो कि मुजाहिदों की और गाजियों की फौज है और जिससे लोग या तो गाजी होते हैं, शहीद होते हैं, कहां गई वो फौज सर? वो गायब हो गई सर, न्यूजीलैंड ने बोला ओके बाय बाय, बस एंड ऑफ स्टोरी सर। सो दिस इज व्हाट, अब मुझे ऐसा लगता है सर किसी ने पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करा है, मैं बता रहा हूं आपको। ये बोलता बहुत है ना सर इमरान खान, इमरान खान को क्या है, इमरान खान, मैं आई वॉज टेलिंग अ पाकिस्तानी फ्रेंड टुडे, आई वॉज इंटरेक्टिंग विथ हिम ऑन ट्विटर, ऑन 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 व्हाट्सएप, एंड आई टोल्ड हिम कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान खिदमत करे पाकिस्तान की, तो उससे बोलो 3 महीने के लिए चुप रहे, अपना मुंह बंद रखे सर। दिस इज द बेस्ट वे ही कैन सर्विस कंट्री बाय शटिंग अप सर। बोलता है इतना ज्यादा है आदमी, और फजूल बोलता है सर, फजूल बोलता है 24 घंटे, ही इज डैमेजिंग इज ओन सर। इनको रॉ की जरूरत है सर, इनके पास देखो सर, इनके पास है कौन कौन, देखो इनके पास है इनके पास है वो डब्बू जी कौन है सर, इनका IT मिनिस्टर और मोटा वाला, क्या नाम ही भूल जाता हूं उसका सर, चौधरी, फवाद चौधरी सर, फवाद चौधरी इनके पास, शेख रशीद, शेख रशीद इनके पास है, फवाद चौधरी इनके पास है, इनके पास इमरान खान नियाजी है सर, और फिर ये कहते हैं कि रा की साजिश है। हमारा कुरैशी साहब भी तो है, उनको क्यों भूल गए? शाह महमूद कुरैशी सर, वो बाल काटता है, वो पीर है पता है आपको सर, हाँ वो पीर है, वो हाँ वो पीर है, वो 10-10 रुपए के लिए बाल काटता है सर। ऐसी जोकरों का जमघट वहां पे है, फिर ये कहते हैं रा की साजिश। मैं तो रॉ वालों को कहता हूं तुम रिटायरमेंट लेके घर बैठो, खुद ही बर्बाद कर देंगे अपना मुल्क से, बोल बोल के, बोल बोल के।
एवरी डे सर, इनकी इनकी बोली बंद नहीं होती सर, लगातार लगातार देयर एम्बैरेसिंग द रोन कंट्री। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट चाइना, के चाइना के साथ एक एसिमेट्री है इन्फो वॉरफेयर में भी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी और साइबर वॉरफेयर में भी, तो वो एसिमेट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसिमेट्रीज साइबर को अलग अगर जाने दें तो इन्फो और साई वाली जो एसिमेट्रीज हैं वो तो हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के कारण है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चाइना कर सकता है, हम नहीं कर सकते। सर कर हम भी सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना ये मतलब मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग सर ट्विटर फेसबुक पे, तो मैं तो अवॉइड करता हूं इन चीजों को। सर पॉलिटिकल पार्टीज के अगर आईटी सेल हो सकते हैं तो सरकार का आईटी सेल नहीं हो सकता क्या? क्या बात कर रहे हैं सर? इफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन हैव आईटी सेल, सर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव आईटी सेल्स, मुल्क का आईटी सेल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? सम ऑफ देम हैव प्रीटी बैड वंस, हां बट दे हैव आईटी सेल्स, वो पैसा वैसा देकर रखते फिट करके और ट्वीट। They have bad IT cells, but they have IT cells. मैं ये कह रहा हूँ सर कि all these things are highly possible. मेरे पहले CEO साहब थे सर, my first CEO, commanding officer, 1994 में सर, Colonel Kaushalendra Pathak. Colonel Pathak is now retired sir, Colonel Pathak लखनऊ में रहते हैं and हमारी unit 17 कुमाऊं के पहले मेरे पहले CEO थे सर, तो मैं 1994 की बात कर रहा हूँ। He used to is a very very witty man sir, बड़े intelligent, पढ़े लिखे थे सर, वो thinking soldier type ना। Colonel Pathak मुझसे कहते थे son, to do anything well in life you need two things, one is intent and the other is capability. वो उनका बड़ा एक डायलॉग था कर्नल पाठक का, कहते थे बेटा इंटेंट चाहिए या कैपेबिलिटी चाहिए, एक नियत होनी चाहिए एक काबिलियत होनी चाहिए। इंडिया के पास इंटेंट नहीं, इंडिया के पास कैपेबिलिटी है सर, इंडिया के पास इंटेंट नहीं है इस चीज का। इनके पास दे डोंट वॉन्ट टू डू इट, इंडिया को लगता है पता नहीं क्या गड़बड़ है इसमें, यह है वो है, बहुत ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सेटअप, धीरे धीरे चलना, ये सब कैपेबिलिटी है सर। एंड दिस कॉस्ट, आप 36 रफेल खरीदे ठीक है सर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपको सिर्फ एक रफेल पे कॉस्ट चाहिए सर, 3 साल तक चलेगा, ऐसे चलेगा पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन इंटेंट की बात है सर, आप कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को, इंटेंट नहीं है, कैपेबिलिटी है, वी हैव वर्ल्ड क्लास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर, दुनिया सीखती है इंडिया से, इंडिया के पास इतना जबरदस्त आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, इंटेंट की कमी है बस। और पाकिस्तान के पास ये है सर, इंटेंट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है, ये पाकिस्तान का ये ड्रामा है सर, नालायक लोग हैं सर, इंटेंट पूरा है। दो दिन पहले मैं ये डिस्कस कर रहा था, हमारे डॉक्टर चुंगू है पनून कश्मीर वाले, देखिए हमने पाकिस्तान को, वी हैव गिवन देम अ लॉन्ग रो, हमने कहा है कि भाई यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स, देन वी श्रग आवर शोल्डर्स, देन वी से कि भाई स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, देन वी श्रग आवर शोल्डर्स, भाई मतलब हमने खुद ने अपने पांवों में बेड़ियां बांध रखी, वो हर अग्रीमेंट वायलेट करता है, उसने लियाकत नेहरू अग्रीमेंट वायलेट किया जिसकी वजह से हमको सीए लाना पड़ा और उसके बाद उनका इंटरनल मैकेनिज्म यहाँ सक्रिय हो गया और हम उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं, चुपचाप बैठ गए। उन्होंने शिमला एग्रीमेंट वो रोज वायलेट करते हैं, सीज फायर रोज वायलेट कर रहे थे, जब उनको इधर से फौजें हटानी थी तो उन्होंने कहा नहीं हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इंडिया आज तक इंडस वाटर्स ट्रीटी को एब्रोगेट करने की या डिसऑनर करने की धमकी तक नहीं दे पाया नहीं सर वो मतलब आप, मैं एक पुरानी कहानी है ना कि भाई तुमको जो है काटने से मना किया था, फुफकारने से थोड़ी मना किया था, वो एक साधु और सांप वाली पुरानी कहानी है, यहां ये फुफकारने तक में डरते। सर डर नहीं है सर, मैं बता रहा हूं इंडिया में डर नहीं, इंडिया में क्या चक्कर है मैं आपको बताता हूं सर, इंडिया में सबसे बड़ी जो कमी है ना, इंडिया की सबसे बड़ी कमी यह है कि वी वॉन्ट टू बी सीन एज गुड बॉयज, हम लोग गुड बॉयज नेवर विन, वो एक बात है, चाहे आपकी मैं अग्री करता हूं, लेकिन इंडिया में एक बड़ी चीज है सर कि वी आर गुड बॉयज सर, हम नैतिकता, ये गांधी और बुद्ध का देश है ना सर, और हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई बात नहीं, हमने अच्छा भी किया। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, 26/11 हो गया, इतने 100 लोग मारे गए, पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी भेजे, हमने रिस्पॉन्ड नहीं करा, हमने मैच्योरिटी दिखाई सर, हम एक मैच्योर नेशन, आप समझे, हमें, मुझे इस वर्ड मैच्योरिटी से इतनी नफरत है, मैं होता तो कहता हम लोग इमैच्योर नेशन है, पाकिस्तान के अटैक करने से पहले गिरा दो 500-600 लोग वहां पे, कहानी खत्म, जो भी उनके फौजी हैं, नॉट इनोसेंट सिविलियंस बट फौजी, कहानी खत्म सर। दहशत जब तक नहीं होगी सर, मित्रता कैसे बढ़ेगी?
मैं बता रहा हूं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करिए, लेकिन पाकिस्तान इतनी दहशत में हो सर। और अभी अभी देखा हमारा पीस चल रहा है पाकिस्तान के ऊपर सर, अभी बिल्कुल शांति चल रही है। आई एम सेइंग दिस इन ऑल सीरियसनेस, आई एम नॉट जोकिंग सर, मैं दिल से बात कर रहा हूं आपकी, दिल दिमाग एक साथ। मैं आपको बताता हूं अभी हमें क्या करना चाहिए। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है ना पाकिस्तान का, वी शुड जस्ट वाइप आउट दैट ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, जस्ट टू टेल पाकिस्तान दैट व्हेनेवर वी वांट वी कैन कॉज यू इमेंस डैमेज। वो हमारा मूड है, हम जब चाहे कर सकते, दिस इज द वे। एक बात बताइए सर, अब लोग हंसेंगे कि ये बड़ा इमेच्योर, ये हमें ना मैच्योरिटी का बड़ा कीड़ा है हम लोगों में ना, ये इंडिया का सिविलाइजेशनल फेलियर यही है सर, मैच्योरिटी। अब मैं आपको एक और चीज पूछता हूं सर, 1999 में सर, 1999 में पाकिस्तान आया कारगिल के ऊपर, ठीक है सर, हमारे 527 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, राइट। पाकिस्तान ने वो गलत काम कर, पाकिस्तान को मार मार के हमने दुम्बा बनाया सर, वापस भेजा, कई सौ लाशें अपनी पाकिस्तान पीछे छोड़ गया, वो सब बात सच है, राइट। लेकिन व्हेन यू आर डीलिंग विद अ मैड डॉग, राइट, यू डोंट हैव अ बिस्किट इन योर हैंड सर, यू हैव अ गन इन योर हैंड। देखिए एक तरीका होता है, एक पालतू जो डॉग है सर, एक प्यारा कुत्ता है जिसको आप ट्रेन करते हैं, उसको आप बिस्किट देकर ट्रेन करते हैं, बेटा सल्यूट करो, बैठ जाओ, रोल, है ना, स्लीप, स्टैंड, सिट, उसको बिस्किट देकर सर में पुचकारते हैं। पागल कुत्ता होता है सर, यू टेक अ गन एंड यू शूट द डॉग इन द हेड, और फॉर दैट मैटर अ मैड मैन हुज अ साइकोपैथ, हुज अ क्रिमिनल, हुज अ वायलेंट मैन, यू न्यूट्रलाइज दैट पर्सन। सो हम लोग क्या, हमारी ये मैच्योरिटी ने हमें डुबाया है कि वी आर वेरी मैच्योर। इंडिया टू रिस्पॉन्ड।